स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ज्वेलरी दुकानों में चल रही बिसी को कानून का दिलासा। जहां महिलाओं को सोना सबसे ज्यादा पसंद है, हालांकि गरीब लोग के लिए अपने चढ़ती कीमतें और अल्पकालीन आय को लागू करना संभव नहीं है। इसके माध्यम से देश भर के व्यापारियों द्वारा सोने की बिसी चलाई जाती है। केंद्र सरकार ने हाल में ही एक आदेश जारी किया है, जिसमें अनियंत्रित जमा बिसी को प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए यह सवाल पूछा गया था कि इस तरीके के जमा बिसी वाले प्रतिबंध क्यों होगा। इंडियन बुलेटिन और ज्वेलरी एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने इस तथ्य से अवगत कराया है कि बिसी जो इस मार्ग को चलाता है, जो कि लागू नहीं होता है, भर्डी में आभूषण की दुकान पर पूरे देश में लागू है। ग्राहक अपनी नियमित किस्तों को 11 महीने तक भरते हैं और उसे 12 महीने में 12 किस्त के सोने के गहने मिलते हैं। देश में लगभग 4 लाख आभूषण की दुकान है, जिसमें 50-60% दुकानदार बिसी पर निर्भर है। इस बारे में सुरेंद्र मेहता ने कहा कि आयकर कानून जो ग्राहक उपकरण से लेते हैं, वे जमा के बजाय एडवांस फॉर सेल के रूप में स्वीकार करते हैं। बैंक को 365 दिनों के भीतर जमा राशि को पूरा करना होता है। इस बिसी बिक्री को 12 महीने में पूरी की जाती है, इसलिए यह कानून के ढांचे में है। यदि यह राशि ब्याज नहीं दे सकते हैं, तो मेहता ने कहा कि 12वीं किस्त पर उन्होंने 10% छूट का प्रावधान किया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना